नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। यूपी पुलिस ने करोड़ों के मिड डे मील घोटाले के वरिष्ठ लिपिक को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी जिले में पुलिस द्वारा शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों के मिड डे मील घोटाले में फरार चल रहे अभियुक्त वरिष्ठ लिपिक अखिलेश कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले की क्राइम ब्रांच और कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कब्जे से 21 लाख रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की तब्दीली से जाँच कर रही है। पुलिस की गुंजाइश है कि आगे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी शिकंजे में आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अखिलेश कुमार शुक्ला। कैसे एमडीएम घोटाला किया था ना? रुपया कैसे गायब किया था? बोलो कुछ तो बोलो। कुछ बताओगे? बताओ भैया। जनपद बाराबंकी में बीएसए ऑफिस में मिड डे मील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसमें क्राइम ब्रांच द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई और एक हेड क्लर्क वहां पर अखिलेश हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर लगभग 21 लाख रुपए इनके घर से बरामद किया गया है। पूरा तथ्य ये निकल कर आया है कि ये गिरोह बीएसए ऑफिस में अपना काम करता था और ये लोग जो है जो भी मिड डे मील के खातों में पैसे जाने होते थे उनको फर्जी अपना स्कूल का नाम और फर्जी अकाउंट नंबर डालकर वो पैसे अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लेते थे। पिछले 5 वर्षों में इस तरह से कुल लगभग 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, 21 लाख बरामद हुए हैं। योजना प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई उसमें जो विधि होगी सुनिश्चित की जाएगी। जो पूर्व अधिकारी है उनको क्या जांच घेरे में आ रहे हैं? वो लोग भी अधिकारी जो बीएसए यहां से रहे हैं पूर्व में, अभी विवेचना चल रही है। स्पेसिफिक किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कई लोगों की संलिप्तता इसमें सामने आई है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे विवेचक को उस आधार पर जो भी जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाराबंकी से अंकित यादव की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।